असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो कैसे हैं जो आप सब उम्मीद है सब खैरित से होंगे आज की जो वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बाई की थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो लेसिस मैं दिखा रही हूँ ये शटल लेसिस हैं इनका जो साइज़ है वो मीडियम है और ये मैंने फैसलाबाद से बाई की हैं ये स्टिचिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं दुपट्टे के इर्द लगाने के लिए स्लीवस के आगे लगाने के लिए पॉइंटों के नीचे या घेरे के नीचे भी हम लगा सकते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है ये आप देख सकते हैं तो ये मैंने बल्क में जैसे चीज़ें ली जाती हैं वैसे मैंने ली हैं और ये वाली जो लेसेज़ है ना इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है इसका जो साइज़ है वो ज़ीरो साइज़ है और कुछ कलर्स मैंने इसमें लिए हैं और डिज़ाइन मुख्तलिफ़ लिए हैं ज़रा हर एक का जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ है तो फिर जब मैं इनको इस्तेमाल करूँगी तो जिन ड्रेसेस पे लगाऊँगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फिर कुछ लैसेज़ ये हैं ये आप देख सकते हैं दुपट्टे के बॉर्डर्स हैं ये किसी फ्रॉक के नीचे भी लग सकते हैं ये फैंसी आइटम्स हैं फिर ये समोसा लेस के कुछ कलर्स मैंने लिए थे ये आप देख सकते हैं अच्छा आप इस तरीके से ज़्यादा चीज़ें जब लेते हैं ना तो वो आपको रेट काफ़ी मुनासब पड़ता है बनस्बत इसके कि आप दुकान से जा लें तो जो भी स्टिचिंग करता है वो इस तरीके से चीज़ें ले सकता है ये जिकजैक्ट लैस है इसमें भी मैंने डिफरेंट कलर ले लिए मल्टी शेड गोल्डन सिल्वर ये बहुत इस्तेमाल होती है ड्रेसिस के अंदर घुमसलाई के साथ ये लगती है और लगी हुई बहुत अच्छी लगती है इसलिए इसके कुछ पैकेट्स मैंने लिए हैं इसके बाद ये फ्रिल वाली लैस है ये आप देख सकते हैं सिल्वर शेड में कलर्स मैंने ज़्यादातर वो लिए हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये वाली जो लैस है ना ये आयरन के साथ लगने वाली है बहुत ही प्यारी ब्लैक और गोल्डन शेड में ये आप देख सकते हैं ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसके बाद ये कुछ सीक्वेंस के साथ लेसिस हैं ये सिल्वर शेड में है और आगे ये वाली जो है ना ये मल्टी शेड में है ब्लैक के साथ तो ये बहुत अच्छी लग रही थी फिर मैंने एक एक पैकेट इसका लिया इसके बाद ये सिंपल मगजी है लाइट डल सा गोल्ड शेड है और ये एक समोसा लैस है ये टिश्यू फैब्रिक्स पे बनी हुई है जैसे ये फ्रिल बनी हुई है उसी तरीके से ये समोसा लैस भी उसी फैब्रिक पे बनी हुई है फिर आगे ये दुपट्टों में इस्तेमाल होने वाली किरण है इसके भी मैंने दो शर्ट लिए एक सिल्वर और एक गोल्डन ये भी बहुत जगह इस्तेमाल हो जाते हैं दुपट्टों पर और लगे हुए बहुत अच्छा लगता है किरण और ये मगजी है ये आप देख सकते हैं बहुत फ़ाइन क्वालिटी की चीज़ें मैंने ली हैं वैसे तो आप भी जब भी चीज़ें इस तरह की लेना तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें लें जो कि पायदार हों उसके बाद ये कुछ फैंसी मगजियाँ बनी हुई सिल्वर में और मुख्तलिफ कलर हैं शॉकिंग पिंक ब्राउन और ये कुछ कलर्स हैं मगज़ी के ये वो कलर्स हैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जब हम चीज़ लेने जाते हैं ना तो हमें इतनी वैरायटी नज़र आ रही होती है इतनी वैरायटी नज़र आ रही होती है कि दिल करता है सब ले लें फिर ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ी लैसे है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम है कहीं पे भी आपने जोड़ डालना है या डिज़ाइनिंग करनी है ना तो इसका इस्तेमाल तो मस्ट होता है और ये लगी हुई अंदर बहुत अच्छी लगती है इवन जो अच्छी वाली कॉटन की बनी हुई होती है ना वो ली है सीढ़ी लेसेस इसके बाद ये कुछ फैंसी आइटम है ये दुपट्टे तो में इस्तेमाल होती है चौक घेरे में दामन में फिर कहीं अगर जोड़ डालना है तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये शीशा लैस है गोल्डन और सिल्वर सिल्वर शेड में और इस तरीके से इसके भी मैंने ये बंडल लिए हैं कुछ क्योंकि जो फैसला बात है जहाँ से मैंने चीज़ें बाई की हैं वो आपको पूरा पूरा बंडल देते हैं गज़ों के हिसाब से नहीं देते फिर ये कुछ लटकन हैं ये थ्रेड के बने हुए हैं और ये सिंपल जो बटन्स होते हैं शमूस फैब्रिक के बने हुए ये वो हैं नीचे कुछ कलर्स मैंने इसमें लिए हैं ये आप देख सकते हैं इसके बाद कुछ बटन्स इस तरीके के वाइट और ब्लैक शेड में ये भी बहुत फाइन बटन है और ये वाले जो है ना ये थोड़े से फैंसी हैं सिल्वर और गोल्डन शेड में और ये भी टसल्स हैं मार्बल के बने हुए ये थोड़े से सिक्के लिए थे ये जो एक पैकेट है ना इसके अंदर ये सौ सिक्के हैं और इसी तरीके से जो हैं ना वो भी इसकी क्वांटिटी भी फिफ्टी फिफ्टी के करीब है इसके बाद शीशे के मैंने दो साइज़ लिए एक छोटे वाले और एक बड़े वाले छोटे वाले में तीन कलर लिए हैं और बड़े वाले में दो ही लिए हैं इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये जो है ना ये बटन पट्टी जब बनाते हैं ना नेकलाइन के ऊपर वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है और ये वाली भी जो है ना ये भी फैंसी बटन पट्टी है ऊपर से नीचे तक आती है फिर इसके बाद जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये डोरियाँ हैं फैंसी डोरियाँ दो तो एक गोल्डन एक सिल्वर और उसके बाद सिंपल डोरियाँ भी हैं जो कि जर्री की बनी हुई हैं दिल्ली की और ये कुछ फैंसी बटन्स हैं जिसके ऊपर मोती लगे हुए हैं लेकिन ना ये मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं ये जो कैंची है ये रेती की कैंची है और ये बहुत देर तक चलती है इसको तेज़ कराया जा सकता है इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये पर्ल्स हैं जो कि बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं हुक्स ली थी कुछ मैंने बुकरम चेपी लास्ते की सारी वो आइटम है जो कि स्टिचिंग के अंदर इस्तेमाल होगी मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपके बहुत काम आई होगी अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि इसकी क्या प्राइसेस हैं और मैंने ये कितने में बाय किए हैं तो वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़